हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, यूपी के मेरठ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने अपने 90 साल की माँ को घर से बाहर खड़े ऑटो में जंजीरों से बांध रखा है। ये माँ इस कड़ाके की ठंड में ऑटो की पिछली सीट पर एक पतली सी चादर ओढ़े लेटी रहती है। बेटे और बहू ने इसके 5 लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। ये मामला मेरठ जिले के खरखोदा में लोहिया नगर का है। घर वालों का आरोप है कि उनकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मीडिया में सामने आई कि 90 साल की इस महिला की बहू ने बताया कि उनकी सास को भूलने की आदत है। वे खाना खाती है भूल जाती है, घर से बाहर कहीं भी निकल जाती है, बच्चे इन्हें पत्थर मारते हैं। बहू का कहना है कि हम लोग केवल दिन भर इन्हें ऑटो में जंजीर से बांध कर रखते हैं, रात को हम इन्हें घर के भीतर सुलाते हैं। बहू ने ये भी बताया कि इनको ऑटो में जंजीरों से बांधते हुए कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, बस पिछले 2-3 महीने से ही इन्हें जंजीरों में बांध रखा है। गाइस, आपको बता दें कि इस बुजुर्ग महिला के पति की मौत हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वे एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी पेंशन भी मिल रही है, लेकिन वे पेंशन कौन ले रहा है और उसका इस महिला के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा होगा, ये कहा नहीं जा सकता। 90 साल की उम्र में जहां इंसान का चीजों को भूलना स्वाभाविक है, इस उम्र में इंसान को अगर कोई बात करने वाला ना मिले तो वे इधर उधर इस इंसान को खोजने लगता है जिससे वह कुछ बात कर सके। कई बार झल्लाहट में वे कड़वी और बुरी बात भी कह देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे जंजीरों से बांध कर ये साबित करने में तुले रहे कि वे इंसान पागल हो चुका है। माँ अपने बेटे के लिए जीवन भर दुख सहती है। बुढ़ापे में क्या वे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद करती है कि मोहल्ले के लोगों ने घर वालों की इस हरकत की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने बुजुर्ग महिला को लोहे की जंजीरों से आजाद करवा कर उसे घर में रखने को कहा। मेरठ में एसपी सिटी मान सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।